हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ डॉक्टर सोनल गुप्ता और मैं एक काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट हूँ। आज मैं आपसे डिस्कस करूँगी इमोशनल वेलबींग के बारे में। इस लॉकडाउन के समय में हम सब एक इमोशनल डिस्ट्रेस महसूस कर रहे हैं। कई बार इसका मैनिफेस्टेशन या वो जो दिखता है हमें, वो उसके कुछ सिम्टम्स हो सकते हैं, जैसे अकेलापन, उदासी, लोनलीनेस, मन नहीं लगना, किसी काम में पूरी तरह अपना योगदान नहीं दे पाना। ये सब बहुत ही छोटे सिम्टम्स हैं जो हमें डायरेक्ट करते हैं कि शायद हमें अपने इमोशंस को एड्रेस करना ज़रूरी है। इमोशनल वेलबींग का सबसे पहला जो स्टेप है वो ये है कि हम आइडेंटिफाई करें कि हम कैसा महसूस कर रहे हैं। हाउ आर वी फीलिंग टुडे? सो ओनली व्हेन वी आर एबल टू आइडेंटिफाई, जब हम ये पता लगा लेंगे कि हम खुश हैं, उदास हैं या चिड़चिड़ापन है, तो किस वजह से है। सो फर्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि हम आइडेंटिफाई करें कि हम क्या महसूस कर रहे हैं। सेकेंड, हम ये बता पाएं कि हम जो इमोशन है वो कौन सा है। कई बार वो अपसेट, बीइंग अपसेट या उदासी या सैडनेस की तरफ हो सकता है, कई बार वो एंगर, फ्रस्ट्रेशन की तरफ हो सकता है। एड्रेस करने का सबसे पहला नियम है कि हम आइडेंटिफाई करें कि हम क्या महसूस कर रहे हैं। जब हम ये आइडेंटिफाई कर लेते हैं, तभी हम आगे की प्रक्रिया पे काम कर सकते हैं कि हम अब उस इमोशंस को या तो वेंट आउट करें, दैट मीन्स अपने आप से इमोशनल अनबर्डनिंग के ज़रिए हम उनको बाहर निकालें किसी प्रोडक्टिव कंस्ट्रक्टिव तरीके से, और उसको एक पॉजिटिव एनर्जी की तरफ चैनलाइज कर पाएं। इमोशनल वेलबींग का सबसे पहला जो स्टेप हुआ हमारा, वो हुआ आइडेंटिफिकेशन ऑफ इमोशन। एंड फिर हमारा सेकेंड स्टेप हुआ मैनेजमेंट ऑफ इमोशन, कि हम उस इमोशंस के साथ क्या कर रहे हैं। जैसे अगर मैं उदास हूँ, मुझे पता है कि मैं अपसेट हूँ, मैं आइडेंटिफाई कर सकती हूँ कि कौन सी चीज़ें हैं या कौन सा वो थॉट है जिसको बार बार सोच के मैं अपसेट हूँ। जब वो हमें थॉट पता चल जाएगा, उसके बाद हम उस थॉट को और अगर उस पर पॉन्डरिंग करेंगे या सोचेंगे, तो हमें पता चलेगा कि इस थॉट का निवारण कैसे हो सकता है। फर्स्ट आइडेंटिफाई वो थॉट कौन सा है एंड क्या उसका प्रोबेबल सोल्यूशन है, कौन कौन से ऐसे रास्ते हैं या ऑप्शंस हैं जिसकी वजह से वो थॉट हम अपना एड्रेस कर पाएंगे। इमोशंस, थॉट्स बहुत ही जुड़ा हुआ एक कनेक्शन है। तीसरा इसमें आता है बिहेवियर। जब हम इमोशनल वेलबींग की भी बात करें, तो उसमें इमोशंस के साथ ही एक जो मिला जुला कॉन्सेप्ट है वो थॉट का है, एंड इमोशंस एंड थॉट्स आपके बिहेवियर को डायरेक्ट करते हैं। टुगेदर विद इमोशंस, थॉट्स एंड बिहेवियर, आई थिंक वील बी एबल टू नो लिव आर लाइव्स बेटर एंड अपने आप के लिए हमें कुछ बेहतर कर पाएंगे। दूसरी चीज जो मैं आपसे बात करना चाह रही हूँ वो ये है कि कई बार होता है कि हम अपने आप में, अपने आप को ही सेल्फ क्रिटिसाइज मोड में ले जाते हैं, सेल्फ ब्लेमिंग मोड में ले जाते हैं, जिसकी वजह से हम अपनी सेल्फ एस्टीम को नुकसान पहुंचाते हैं, हम अपने कॉन्फिडेंस को नुकसान पहुंचाते हैं। तो ज़रूरी ये है कि जब हम दूसरों से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप हमारी रिस्पेक्ट करो, आप हमसे लव, यू नो, यू रिटर्न लव एंड अफेक्शन टू मी, वी शुड ऑल्सो डू द सेम टू आवरसेल्व्स। हमें खुद अपने आप को वो रिस्पेक्ट देनी है, हमें खुद अपने आप पे बिलीव रखना है, ट्रस्ट रखना है, और हमें खुद अपने आप के प्रति कंपैशन, अफेक्शन रखना है। जब ये सारी चीज़ें हम सबसे पहले अपने आप से, खुद से करेंगे, तभी हम दूसरों को भी बेटर तरीके से रीच आउट कर पाएंगे, और यह आपके रिलेशनशिप्स में भी आपसे, आपको हेल्प करेगा। इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट यू ट्रस्ट योरसेल्फ, यू रिस्पेक्ट योरसेल्फ एंड यू हैव कंपैशन टूवर्ड्स योरसेल्फ, सो दैट व्हेन यू फील, यू नो, जब आप इस सब चीज़ों से खुश रहेंगे, तभी आप ये खुशी दूसरों से बांट पाएंगे।
सो आज के इस सेशन में हमारी दो लर्निंग थी कि हम कैसे अपने आप को इमोशनल वेलनेस की तरफ ले जाएं और हम कैसे अपने ही आप को अपने ही तरीकों से यू नो रिस्पेक्ट लव ट्रस्ट के जरिए अपने आप को बेहतर महसूस कर पाए। तो जो हम दूसरों से महसूस करते हैं शायद जब वो पहले हम खुद अपने आप से करें तो हम एक बेहतर इंसान बनेंगे और अपने आप को बेहतर समझ पाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।